नमस्कार, इंडरटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। महिला ने अध्यापक को फंसाने के लिए कुछ इस तरह का खेल किया। अंबेडकर नगर बीते दिनों से विकासखंड बसखारी के अंतर्गत ग्राम सभा बीबीपुर का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला गांव की मेवालाल एवं विनय कुमार पुत्रगढ़ भगेलू राम जो पेशे से शिक्षक हैं, उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने जबरन मुझे मेरे घर में अकेला देकर मेरे ऊपर हमला कर दिया और जबरन सादे स्टाम्प पर अंगूठा लगवाने लगे। आपत्ति करने पर दोनों भाइयों ने मुझे मारा पीटा और भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसकी शिकायत बसखारी थाने में दी गई है। इस मामले की पुष्टि करने के लिए जब मीडिया बीबीपुर गांव पहुंची तो सबसे पहले ग्राम प्रधान व गांव वासियों से जानने की कोशिश की। लोगों ने मीडिया को बताया कि इन दबंगों ने पहले भी कई बार लोगों को बहुत परेशान किया है। यूनियन बैंक का प्रबंधक उसके भाई अजय कुमार और लालका प्रसाद, तीनों ने मिलकर उस पर संघर्ष कर दिया, नीचे के गिरा दिया। और जब हमने उसका विरोध किया कि हमारा पोल क्यों काट रहे, उससे हमारा विद्युत केबल जुड़ा है, तो उसने हमसे झगड़ गया और हमारे ऊपर निपटने के लिए जो है कहा हम आपसे देख लेंगे। और उसके बाद उसने हमारे ऊपर गलत तरीके से अपनी नानी को देकर के आरोप लगाया कि हम आपके जो है आरोप लगाया कि जो है हमारा घर ये जबरदस्ती हड़पना चाहते हो, हमको चाकू दिखाएं, हमको मारा पीटा, जबकि ये सब निराधार है। मैं एक सम्मानित हूँ, पूरे गाँव में किसी से पूछ सकते हैं आप, गाँव वाले सब बता रहे हैं कि जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, इससे पहले भी था, हमारा कोई मामला नहीं था। हमारे घर के बगल में एक विधवा औरत रहती थी जिसकी पूरी जमीन हड़पना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं, गांव वालों ने मिलकर उससे मुक्ति दिलाई, तब भी इसके बाद भी वो लगभग 2 मीटर उसकी जमीन हड़प लिया। और एक नाली प्रकरण में भी उसने जो है इस तरीके से एक व्यक्ति को परेशान किया, पूरा मोहल्ला सब। आप दोनों भाइयों के ऊपर आरोप है कि आप दोनों लोग जो है उनके घर में जबरदस्ती जबरन उनके मतलब सादे लगवा रहे थे, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि चूँकि मैं मेरा घर बीपुर है, मैं एसएन प्रभाव बीपुर में पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा को जो है वो गांव पे लगाना चाहता है। और जबकि बहन साहब जो इस समय प्रबंधक यूनियन बैंक टांडा में है, उसको मैंने खुद कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाया है। और मैं अकबरपुर में भी अपना बनवाया हूँ मकान, वहाँ यहाँ दोनों जगह रहता हूँ। उसने बिजली के खंभे को जब तोड़ दिया तो मेरे द्वारा केवल इतना ही कहा गया, एक बार मुझसे भी पूछ लिए होते कि हमारा कोई नुकसान कर रहा है, मैं उसका समाधान कोई ना कोई कर देता, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं और कहा कि ऐसा है कि तुम कौन होते हो, इस्टे लेकर के आओ। उसके भाई अजय ने कहा इस्टे लेकर के आओ, मैंने कहा इस्टे की क्या बात है इसमें, तो आपसी राजेश सिंह जी। अब ये दोनों भाई एक तो इंदईपुर के प्रिंसिपल हैं, दूसरे जो है इंटर कॉलेज के वो हैं प्रवक्ता हैं। अब ये लोग चाकू लेके चलेंगे कि मैंने ऐसा बोल, ये लोग चाकू लेके उसके नाम को धमकाने जाएंगे, वो आप बताएंगे ना। वो औरत इसके पहले भी एक निर्मल करके वो था हरजन था, उसका भी और जमीन हड़पने जो है चाहती थी, फिर अपने जो है बगल में थोड़ा सा और जमीन उसका लिया भी है। ये तो बस यही जो है मास्टर साहब ने कुछ परेशान कर देखिए। प्रधान जी, इससे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहो, सब गलत है, एकदम झूठा है। आप क्या इससे पहले भी वो किसी मतलब मोहल्ले के किसी और के ऊपर आरोप लगाए? हाँ, लगाए थे मोहल्ले पर आरोप, निर्मल है, आदिवासी हैं, लगाए थे और झूठा है, चाकू खाकू नहीं मारे। मतलब जो मास्टर साहब पे लगे आरोप हैं वो गलत है, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम गलत है आरोप जो लगाए हैं सब। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।